तो गाइस जहाँ से मैंने ब्लॉग ख़त्म करा था मैं वहीं से शुरू कर रही हूँ। मैंने लास्ट यहीं पे आपके साथ ब्लॉग एंड करा था कि मैंने अपना वेट करा था, क्योंकि वो मेरा एक दिन में वेट कम हुआ था, तो यहीं मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। नेक्स्ट डे मेरा वेट आया था इतना, और आज है एकादशी का निर्जला फास्ट। तो मम्मी कर रही हैं पूजा, और मैंने और दीदी ने भी डिसाइड नहीं करा था कि हम करेंगे या नहीं करेंगे। वैसे तो मेरा था कि अगर मैं करूँगी तो फलहार करूँगी, निर्जला तो मेरे से नहीं हो पाया क्योंकि मुझे माइग्रेन की दिक्कत है, आप सबको पता ही है। तो सुबह सुबह ले रही हूँ मैं अपना गर्म पानी और करती हूँ ब्लॉग की स्टार्टिंग। गुड मॉर्निंग जी, वेलकम बैक टू माय चैनल, कैसे हैं आप सब। सो गाइज, आज मेरा सुबह सुबह हुआ है 1 किलो वेट कम, जो कि मैंने अब से करना है, स्टार्ट करा है, देख रहा है ना मशीन जो भी हो, जिस हिसाब से उसका वेट आया था उसी हिसाब से मेरा 1 किलो वेट कम आया है। और मेरी सबसे पहली ड्रिंक है नहाने के बाद, अभी तक मैंने कुछ नहीं लिया था, पहले सिर्फ वेट करा था। ये है मेरा एक ग्लास गर्म पानी जो मैं पीऊँगी, और इसके बाद पीऊँगी चाय फीकी, उसमें डालूंगी गुड़। तो नो मीठा नो नमक, मतलब सफ़ेद चीज़ नहीं खानी, ना चीनी ना नमक, तो उसकी जगह लेंगे गुड़, और नमक की जगह लेंगे काला नमक, सफ़ेद वो खा सेंधा नमक जो होता है, ये दोनों यूज़ करूंगी मैं अपने लिए अलग से। सब्ज़ी में तो जो डलेगा खैर, ये सबके लिए मैं सब्ज़ी भी उसकी बना दूंगी। तो ये है मॉर्निंग ड्रिंक, और मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि जब मैंने मेज़र करा ना, वैसे मेरा इंचेस में काफ़ी लूज हुआ, उसके हिसाब से 1 किलो वेट कम आया। तो आज फिर से मैंने ली है गुड़ वाली चाय, और किसी ने कहा था दीदी मिश्री धागे वाली होती है ना, वो वाली चाय ले लीजिए। तो गाइज़ वो वाली तो नहीं है मेरे पास मिश्री, तो मैंने सोचा वैसी मिश्री लेने से अच्छा है कि मैं गुड़ वाली ही चाय पी लूँ। तो गाइज़ अभी मैंने सुबह से सिर्फ चाय पी है गुड़ वाली, और जो ये कल ही है मेरे लिए बोल रही ना, आज इसका वजन नहीं घटा हुआ मेरा 1 किलो। मशीन खराब है, और जब मैं कह रही नीचे की नीचे वाली भी खराब है, जहाँ मैं 5-7 किलो बढ़का आ रहा हूँ, कह रही हाँ इतना हो रहा है। तो आज बताऊंगी, तैयार होके जा रही है, हमारा एकादशी का व्रत है, और नीचे जा रहे हैं हमने भाई निर्जला नहीं रखा, मेरा तो माइग्रेन है। तो दीदी कह रही मैं भी ना रखा, निर्जला गर्मी बहुत है भाई, देखो भगवान इतनी शक्ति दे, हम कभी कर पाए पर अभी इतनी हिम्मत ना। जब तो अभी ना दी भगवान की शक्ति, तो आगे कब देंगे भगवान शक्ति, भगवान की मर्जी है, भगवान की शक्ति। पाखंडी औरत है, मन के लिए मन होना चाहिए, या नहीं पहली हार मान ली, मैं नहीं रख रही हूँ मेरे बस की ना, मैं तो वैसी रखूंगी सिंपल। व्रत रख के बीच में तोड़ दो या कुछ ऐसा हो ना जुले कुछ हो सकता, तो पहले ही हमने अपने वहाँ कमजोरी मान लो कि ना, तो फिर भगवान के ऊपर मत कहना, भगवान ने तो प्रॉपर शक्ति दे रखी, क्योंकि मेरे बस की नहीं है करना। तो गाइज पता अभी क्या बात कर रही दीदी, दीदी क्या बात कर रही, आज का व्लॉग ना मतलब एक इंसान के लिए बहुत बढ़िया होने वाला है। कह रही कल ना इसके एक टॉप फैन की बात बताती हूँ, कुछ बात करते करते कह रही है कि मेरे आपने देखा होगा इसकी जो इंस्टा पे रील आती है, उसमें अगर 50 कमेंट है तो 40 कमेंट एक बंदे के रहते हैं। कौन है वो बंदा? सब खुद ही कमेंट करती है, सब मेरे पास मैसेज, सोनी ने कमेंट करा ना कल, हाँ। तो वो बड़ी खुश हुई कि सोनी मैम ने मुझे ये बोला, मुझे बहुत खुश हुई, मैंने कि भाई बहुत लोग बोला है सिर्फ सोनी ना बोल रही तुम्हारे लिए, तो बड़े खुश हो गए कि अच्छा सब मेरे को बहुत बड़ा वो फैन मानते हैं आपका, अच्छा है। तो अच्छा आप भी बताना, चलो मैं नाम नहीं ले रही, दीदी के टॉप फैन कौन है, और मेरे भी मतलब मेरी वीडियोस में भी सेम चीज है, बट मेरे उतने नहीं है, मतलब मेरा 90% लगा लो, और 100 100, क्योंकि हम दोनों की जो वीडियो रहे ना, दोगलापन देख, अब हम दोनों की वीडियो रहेंगे शीतल मैम ब्यूटीफुल, अच्छा हमें यहाँ है शीतल मैम तो बढ़िया, फिर मेरी वीडियो उनमें कमेंट बढ़िया, सुपर मैम जो अकेले की वीडियो है उनमें तो भर भर के तारीफ है, जहाँ शीतल मैम आ गई। अभी ये फैन तो बड़े मेरे ही है ना, स्टार्टिंग तो मेरे से हुई। अच्छा चल पूजा कर रहे हैं, देर हो रही, चलो चलो। तो ये करेगी पूजा, और मैं बनाऊंगी अभी नाश्ता, खाना बनाना पापा के लिए, तो नीचे जाके खाना बनाना सब बना के भेज के, बच्चे ने दे चुकी हूँ मैं, नहीं आज खाना इसने बनाया सारा, भिंडी की सब्जी, बच्चों के लिए आलू के पराठे, सबका लंच वंच पैक करके आने दिया। देखो नीचे मैं सोच रही हूँ 2-4 दिन काम और चलता रहे तो मेरा सुबह का काम हल्का हो जाए। तो मैं 2-4 रोटी और फालतू बढ़ जाएंगी। हाँ तो आइए बता, हार वार पहन के कहाँ जा रही है ये? ये हार आया प्रमोशन का, आर्टिफिशियल है, मतलब गोल्ड का 1 ग्राम गोल्ड है, 1 ग्राम गोल्ड है, बढ़िया है। सर इयररिंग्स भी है, और हल्का सा लाइट वेट सा छोटा सा, तो पेज का नाम मेरी आईडी पर दिखा दूंगी मैं, जिनका है वहाँ देख सकते हैं। कैसा लग रहा? मस्त लग रहा, अच्छा लग रहा, जल्दी रहे छोटी बंदी ढूंढ गए। तो देखिए आज हमने पहना है सेम सूट, ये वाला बहुत ही मस्त है, और कपड़ा तो इतना प्यारा है ना इसका, पहनने के बाद तो मजे ही आ रहे हैं, मजे। कलर उतनी बड़ी ना लगाऊंगी मैं, छोटी है ना, खत्म हो गई मंगवाने प्रिया से, अब मंगा के लगाऊंगी ना। और इसके
कुछ है खरबूजे वरबूजे? जामुन मैं तो खा लूंगी भैया, बढ़िया मस्त वजन घटेगा है रूबी जामुन खाने से। और जामुन खाया है जब काना होने वाला है? तू चुप रह। मेरे मेरे हम जाएंगे कई दिन फिर से। क्या हुआ? वो कॉकरोच दो बड़ा वाला डरा दिया। रसोई में कॉकरोच करती है, कभी जिंदगी में कॉकरोच ना हो। एक किचन में हम लेके आ रहे हैं कॉकरोच। तो सफाई करो ढंग से। और लेके आओ चूहा, लेके आओ बड़े बड़े चूहा भी कर दिए तेरे, कॉकरोच भी कर दिए तेरे। तू जा वाले दिन मैंने खाया है ब्रेकफास्ट में ये गाजर। गाजर थी घर पे तो मैंने कहा और तो पता नहीं खाऊं क्या, कोई फ्रूट वगैरह बाद में देखूंगी। तो मैंने एक गाजर खाली काट के, और जब भूखे पेट होते ना तो गाजर भी बढ़िया लगती है। मतलब इस तरह से मेरा भी चल रहा है। और मेरे ना दो तीन दिन बाद जैसे अभी ये वीडियो डली है तब तक मेरे काफ़ी इंचेस भी लूज़ हुए हैं और फ़र्क भी दिखा है बॉडी में। एकदम जो फुलावट सी रहती है ना वो थोड़ी सी हल्की हुई है। तो शायद इसकी वीडियो में आपको दिखे ना दिखे बट नेक्स्ट वाली में आपको ज़रूर दिख जाएगी। तो मुझे तो खुद से काफ़ी फील हुआ है। हाँ, और एनर्जेटिक तो ऑब्वियसली होते ही हैं। मतलब जितना मैं थोड़ा अलकस करती हूँ ना कि भाई वेट बड़ा पड़ा है, यहाँ नहीं चलना, वो नहीं करना, तो काफ़ी एनर्जी आती है इससे। और पापा के लिए बन रहा है खाना, क्योंकि पापा का फास्ट नहीं था। गाइस आज तो इतनी ज़्यादा धूप थी, क्या ही बताऊँ। बाहर मैंने देखा और ना लोग छोटे छोटे बच्चों को भी लेके जा रहे थे बिना टोपी वोपी के। गाइस बच्चों को टोपी वगैरह लगा दिया। उनका नाम हरिश्चंद्र था। वो अत्यंत ही प्रतापी और सत्यवादी था। उसने किसी अज्ञात कर्म तथा प्रतिज्ञा से राजा राज को त्याग, जबकि वो चिंता कर रहा था तो गौतम ऋषि आए। राजा ने उन्हें देख कर प्रणाम किया और अपने दुख की कथा सुनाने लगे। तो ये है मेरा लंच, और लंच में मैंने खाए जामुन। ये वैसे भी मेरे फेवरेट हैं और मैंने सिर्फ जामुन खाए हैं आज। एकादशी के बारे में बताइए, एकादशी का नाम क्या है, इसमें कौन से देवता की पूजा की जाती है, क्या है? सो विस्तार से कहिए भगवान श्री को। तो बोले हे राजन, एक समय मां माता ने गोमस से पूछा, हे मुनि चैत मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा इसकी क्या विधि, विधि क्या है सो आप कहिए। कोई नहीं बैठो। और तीन बजा है तो आज था एकादशी का उद्यापन। और ये कथा ना हमारी 4-5 घंटे चली, बीच में ब्रेक ले लिया। तो सबके लिए लेके आई मैं यहाँ पे फ्रूटी, बाकी सबने पी, मैंने नहीं पी। और चीकू हमारा मस्त सो रहा है अपना, उस गर्मी हो सर्दियों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वैसे तो इस चल रहा था बट हमारे तो बैठे बैठे गर्मी में हालत ख़राब होती थी और ये सोया पड़ा था। संकट दास जनों के संकट बंसी वाला दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। तो गाइस जब मैंने पिछली बार अभी पूजा कराई थी वो मैंने बताया भी था, डीवा के बर्थडे के लिए करी थी। उस दिन बहुत ज़्यादा गर्मी थी इसलिए हमने सोचा था सुबह पूजा कर लेते, फिर शाम को पार्टी भी थी तो इसलिए हमने डिले करी। फिर हमने आराम से कराई जिस दिन सबकी छुट्टी थी, ठीक है। और ना ये वाली पूजा हुई है उद्यापन के लिए, अब इसको भी रिलेट कर लेंगे भाई। दीदी की प्रेगनेंसी के लिए कराई है। और ना किसी ने भी ये कमेंट में भी कहा था कि ये पूजा कराई ताकि शीतल के लड़का हो। तो गाइस हमारे घर में ऐसे लड़के के लिए अभी कोई वो नहीं है, क्योंकि आपने देखा ही है डीवा को कितना प्यार करते हैं। और घर में अगर अगला बच्चा होगा तो हम सबकी विश है कि अगली भी लड़की ही हो, ठीक है। एक लड़का एक लड़की दोनों बराबर हैं, दूसरी भी लड़की होनी चाहिए। लड़के के लिए हम कोई पूजा नहीं करवा रहे हैं। तुम स्वामी मैं सेवक, तुम स्वामी कृपा करो भरता, ओम जय जगदीश हरे। किस विधि मिलूं दाजा मैं, किस विधि मिलूं त्रापा मैं, तुमको मैं कुमती, ओम जय जगदीश हरे। तेरा तुझको अर्पण, प्रभु का प्रभु को समर्पण, क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश हरे। हरि ओम राजा धीरक कमल माला कंठ रेशे पहित्वा सिरस विनही तो हम मंत्र पुष्पांजलिस्ते हृदय कमल मध्ये देव हर संतनु तू
नमस्कारोमि धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भाव हो विश्व का कल्याण हो सनातन धर्म की जय हो गौ माता की जय हो हर हर महादेव हर ओम मंत्राधा शबला शंदो कुरुणा शंद मनोरथा शत्रुणां बुद्धिनाशकौ मित्राणां उदयस्थौ शीलवर्चस्व तो ये खाए थे, फिर हमने सबने डिनर में व्रत वाले आलू और खीर। ये है डिनर, खीर बनाई है दीदी ने आज। इतनी खुश हो रही नकली। तो हमारा आज का नाश्ता है। तेरी माई खाओ तू राइटिंग पे नहीं मूली प्याज के परांठे तेरे चल रहे नहीं खाएगी अपने हैंड से खिला दे गाइस देखिए दो दिन की डाइट के बाद मैं पतली और जीजी रह गई मोटी ऐसी की ऐसी बिजाइन डाइट करी फर्क ना पड़ा मैंने क्या? करी कौन सही था मैंने कल भी ज्यादा खा लिया अभी भी दो दिन और ना करूंगी और मैं दो दिन में और दो किलो घटा लूंगा के बाद करूंगी थोड़ा सा एक छटाव तो आया है ना हम कहते रही लग रही आज देखो दो दिन में ही फर्क पड़ गया ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा ओम नमः ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा 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 ओम श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी सकल सौभाग्य मेरे स्वाहा ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी सकल सौभाग्य मेरे स्वाहा दादू नहा रहे हैं नहा रहे हैं फिर दादू तो मार्केट गए हैं सामान लेने रुक जा
ये सीधा और कपड़ा जो बता रहे थे जो रह गया बाकी जो रात नहीं चल कैमरा कैसे इसमें डाल देना कपूर जला कर हम नाड़ी कर लेते हैं हो जाता है उनका ताने का वो है हमने तो धुएं के मारे में करवाया लाली के बहुत गर्मी है चप्पल किसने वो कह रही थी मैं नहीं ले जा रही इसे अपने घर गंदी है पानी ले ले खोलने में कैसे टूट गई सुखा दो यहाँ जय हो कल्याण हो मंगल हो तो हमारा व्रत खुला दाल चावल से सबके लिए यही बनाए थे आज और नाश्ते में हो गए थे पराठे पंडित जी ने भी यही खाए अब हमारा व्रत हुआ संपन्न फाइनली किचन हो गई है रेडी और ये तो जो रेडी हुई है सो रही है 3 दिन में देखी किचन की हालत सामान सारा कहाँ पड़ा है और अभी सब कर रहे हैं नीट एंड क्लीन और टाइम आपको दिखा दूँ बाहर अंधेरा दिख रहा होगा अभी हो रही है रात के 7:45 तो करती हूँ इसको फिर बनाना है खाना सब्जी तो बना के आई हूँ मैं ऊपर
बहुत बुरी हालत हो जाती है यार जब घर में काम होता है। देखिए मेरी शक्ल पे भी क्या 12 बज गए हैं, क्योंकि गर्मी से ना बुरी हालत हो गई थी और पूरा घर तितर बितर हो गया है एक किचन डिस्टर्ब होने से। चलिए अभी इसको क्लीन करती हूँ, फ़ोन में बिल्कुल बैटरी नहीं है, साफ़ कर करा कर जब मिलती हूँ आपसे। क्या तो रही थी गाइस हम जाएंगे घूमने, बड़ी मांग चढ़ाएंगे। तुम्हारा बोले दिन क्या कर रही थी बोल। गाइस हम जाएंगे, और क्या चढ़ाएंगे बड़ी मांग को? पता है जिनू बोलिए बड़ी माँ का संदेश इधर। ओ जिनू कट्टी हो गया बड़ी माँ से, गुस्सा हो रहा है बड़ी माँ से। मैं पाई हो गई, प्यारी हो गई जिनू। अच्छा मैं कट्टी नहीं हुई, कट्टी नहीं हुई। अच्छा मैं पाई हो गई। बड़ी माँ को कैसे छुड़ाएगी जब घूमी घूमी जाएगी तो? फिर बड़ी माँ रोएगी जिन्हों मेरे को छोड़ के चली गई। फिर कहाँ पे जा रही है घूमी घूमी? पलटा बेटा, मेरे को लेके ले जाएगी तू पूरी साथ गुनी गुनी गाय बन दद गुनी। पापा बिट्टी क्यों कर रही है? जब बड़ी माना लेगी तो है माँ का दांत मार तू पापा, पापा का दांत मारेगी क्यों? क्यों पापा क्यों दांत मारेगी? तो डीवा की मस्ती के साथ ये व्लॉग होता है यहीं खत्म। मिलती हूँ नए कल व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना।